मसौदा एनआरसी में जिन लोगों का नाम शामिल नहीं था, लेकिन आज जारी हुई अंतिम एनआरसी सूची में अगर उन्हें जगह मिल गई है तो उनको अब आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। एनआरसी अधिकारियों ने 30 जुलाई 2018 को प्रकाशित मसौदा एनआरसी में जगह नहीं पाए ऐसे 36 लाख लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया है जिन्होंने भारतीय नागरिकता का दावा किया था। इस बायोमेट्रिक डेटा की वजह से आधार कार्ड बनाना संभव हो सकेगा। राष्ट्रीय नागरिकता पंजी में अंतिम रूप से अपना नाम नहीं जुड़वा पाने वाले लोग अगर कानूनी प्रक्रिया के पालन के बाद भी अपनी भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो वो देश में कहीं से भी अपना आधार कार्ड नहीं बनवा सकेंगे क्योंकि उनके बायोमेट्रिक के आगे निशान बना होगा। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि एनआरसी दावों की प्रक्रिया के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक डेटा ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन लोगों ने अंतिम एनआरसी में जगह बना ली है वो आधार पाएं और जो अपनी भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं कर सके वो देश में कहीं से बनवा ना पाएं। जब मसौदा एनआरसी प्रकाशित हुई थी तब 40.7 लाख लोगों को इसमें जगह नहीं मिलने पर काफी विवाद हुआ था। इस मसौदे में कुल 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.9 करोड़ के नाम ही शामिल थे। आपको बता दें कि असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। आज सुबह 10 बजे जारी हुई इस लिस्ट में 19 लाख लोग बाहर हो गए, यानी कि उनको विदेशी घोषित कर दिया गया।